तो मित्रों, आज का ब्लॉग मैं बहुत दिनों बाद शुरू कर रहा हूँ और आज जो है कि आपको मैं धनगलेश्वर महादेव के भी दर्शन कराता हूँ। उससे पहले हमारे साथ आचार्य जी हैं, आचार्य जी से कुछ पूछ लेते हैं कि इस श्रावण मास में जो मलिन मास भी चल रहा है, तो इसमें कौन कौन सी पूजाएं की जाए, क्या क्या किया जाए, उसके बारे में हमें आचार्य जी बताते हैं। चलो अब आचार्य जी के पास चलते हैं। हमन भी दिखा दियो ना आज मित्रों। तो आज हम आ रखे हैं यहाँ त्रिदिवसीय अनुष्ठान में आचार्य लखेड़ा जी के साथ। और अब ये जो श्रावण मास है, इस श्रावण मास में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको आचार्य लखेड़ा जी बताएंगे। तो चाची क्या क्या होना चाहिए, ये लोग मनाची था ना। इस श्रावण मास तो बहुत अच्छी बात है, पर्व पावन और पर्व मास है श्रावण, लेकिन इसमें मल मास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास, इसमें अंतर होता है। अच्छा, 32 माह 16 दिन 4 घड़ी में ये अधिमास या मल मास या पुरुषोत्तम मास आते रहते हैं। इसमें जैसे सौर मास में 365 का एक दिन होता है, लेकिन चांद्र मास में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। अच्छा, इसलिए 32 माह 16 दिन 4 घड़ी में एक पक्ष बढ़ जाता है, चांद्र मास का पक्ष बढ़ जाता है। इसमें शिव की उपासना ज़्यादा श्रेयस्कर होती है, केवल संस्कार नहीं होते हैं और शिव की उपासना इसमें ज़्यादा बेहतर होती है। संस्कार माने जन योग, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार हो गया, छोटा संस्कार या जो गृह प्रवेश हो गया, इसमें थोड़े से वर्जित है। बाकी उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है श्रावण मास और फिर अगर मल मास उसमें आ जाए। अच्छा, तो ये मल मास मतलब हम क्या कर लगे, जहाँ से हम तो ठीक ठाक पूजा सबसे बेहतर शिव की उपासना, सबसे बेहतर शिव की उपासना या पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को उपासना। भगवान विष्णु ने इस मल मास को, इस पुरुषोत्तम मास को अपने अपने पे जोड़ा गया है। अच्छा, अपने पे जोड़ा उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद कर दो हम चाय जी के। और ये हमारे साथ ही खंतवाल आचार्य खंतवाल जी द्वारा निर्मित बड़ो सुंदर जो की सप्तजी वह बनाया आज हमारे हवन से यखम। तो आचार्य जी आप कुछ बोलना चाहना चाहो? आचार्य लखेड़ा जी ने समझा दिया आपको, अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलते। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर जो ये अनुष्ठान चलना चाहिए, क्या का अनुष्ठान चलना? विशेष राहु की उपासना हो रही है। अच्छा, श्रावण मास में। श्रावण मास में आज के बाद महामृत्युंजय प्रारंभ होने जा रहा है, पंचदिवसीय। बहुत सुन, तो मित्रों आप लोग श्रावण मास में नवग्रहों का भी दर्शन करें। जिस प्रकार आपको पता है कि ग्रहों, ये देखो पहले आप सबसे पहले नवग्रहों का दर्शन करो। ये नवग्रहों का दर्शन, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्सा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो मित्रों जिस प्रकार से लखेड़े जी ने बताया हमें, आचार्य जी ने, कि श्रावण मास में शिव की पूजना पूजा श्रेयस्कर है, तो हम लोग भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करते हैं। ब्राह्मी कमली विश्वाम वर्णा माहेश्वरी लीलया कौमारी विपुदर्शना सनकारी चक्राधा वैष्णवी वराही कनकर गरम ते चांदी चंद्रजा चामुंडा।